स्टूडेंट्स वी आर लाइव नाउ, वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद एक्सरसाइज नंबर 5.1 एंड 5.2। ओके स्टूडेंट्स, जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं उसमें बहुतों को प्रॉब्लम है और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने क्या किए हैं, गलत किए हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर L देख लेते हैं। साइज नंबर 5.1। ओके, बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई। भाई मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 3 ऑफ पावर -8। ओके, 3 ऑफ पावर -8 में किस नंबर का मल्टीप्लाई कराना चाहिए टू गेट द प्रोडक्ट इक्वल्स टू 8, कि उन दोनों को प्रोडक्ट जिस टर्म्स का मल्टीप्लाई कराएं 3 ऑफ पावर -8 के साथ, तो हमको आंसर क्या मिले, उन दोनों को प्रोडक्ट 3। ओके, सो हमने उस नंबर को लेट कर लिया, भाई हमें मुझे पता तो है नहीं, सो वो अननोन नंबर्स, तो अननोन नंबर्स को कोई वेरिएबल लेट करेंगे। लेट दी नंबर बी एक्स, लेट दी नंबर बी एक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, तो वी शुड मल्टीप्लाई दी नंबर एक्स ऑफ 3 ऑफ पावर -8। 3 ऑफ पावर -8 में मैंने किस टर्म्स को मल्टीप्लाई कराया, एक्स का, और हमको आंसर क्या मिला, द प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर इज 3। ओके, सो एक्स इज इक्वल्स टू 3। देखिए बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 3 ऑफ पावर -8 डिवाइडेड बाई 3। ये बेटा गलत स्टेप है, आप इस टर्म्स को मूव करा रहे हैं, ये भी देखा जाता है किस टर्म्स को मूव करा रहे हैं, तो किसे मूव करा रहे हैं, 3 ऑफ पावर -8 को, तो अदर साइड अगर ट्रांसफ़र होगी पावर, ठीक है, तो पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में, तो 3 तो देखिए अपनी प्लेस में वैसे ही रहेगा, जैसा है 3 वैसे ही अपनी प्लेस में रहेगा, साइन किसका चेंज होगा, 3 ऑफ पावर -8 का, जिसे मूव करा रहे हैं अदर साइड, ठीक है, उस टर्म का साइन चेंज होता है। सो एक्स इज गोज टू, यहाँ पावर 1 है, तो 3 ऑफ पावर -8, दो साइन एक साथ आ रहे हैं, तो मैंने माइनस लगाया, ठीक है, एक तो माइनस डिवाइड वाला और दूसरा पावर का, ठीक है, सो एक्स इज गोज टू 3 ऑफ पावर 1 + 9, सो एक्स ऑफ पावर 3 ऑफ पावर 10, ठीक है, जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, 3 ऑफ पावर 10। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर m इज बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -6 ऑफ पावर -1। अब फिर वही बात आ गई, सो लेट दी नंबर वी x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी शुड मल्टीप्लाई द नंबर एक्स ऑफ 6 ऑफ पावर -1 में एक्स का मल्टीप्लाई कराया, हमें किस मल्टीप्लाई कराना है, हमने कौन सा नंबर लेट किया एक्स, तो 6 ऑफ पावर -1 में किस टर्म्स का मल्टीप्लाई कराना है, एक्स का, और हमको दोनों का प्रोडक्ट क्या ऑपरेंड हो रहा है, -8 ऑफ पावर -1। ओके, वी शुड मल्टीप्लाई बाय द नंबर एक्स ऑफ 6 - 6 ऑफ पावर -1, सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल्स टू 8 ऑफ पावर -1। ओके, सो एक्स इज इक्वल्स टू 8 ऑफ पावर -1, एंड देखिए फिर वही चीज़ है कि किसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 6 ऑफ पावर -1 को, तो साइन किसका चेंज होगा बेटा, 6 ऑफ पावर -1 का। ओके, सो आई थिंक इसमें किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। अब देखिए पावर नेगेटिव में है, ठीक है, तो सबसे पहले पावर क्या करेंगे, 1/8 ऑफ पावर 1, जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में, 1 ऑफ पावर -6 ऑफ पावर 1। 6 का साइन ना कर देना, 6 तो बेस है, बेस का साइन थोड़ी नहीं चेंज होता है, पावर का साइन चेंज होता है रेसिप्रोकल में। ओके, सो पावर में रेसिप्रोकल करा है, साइन पावर का साइन क्या किया, पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू
8 ऑफ पावर 1 इज 8 एंड माइनस 6 ऑफ पावर 1 इज माइनस 6. एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6 अपॉन 1. देखिए मल्टीप्लाई का साइन किया और टर्म्स को रेसिप्रोकल किया. इधर वाला साइड जो का जो सम है ये टर्म्स डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो राइट हैंड साइड टर्म्स जो होता है डिवाइड के राइट हैंड साइड जो टर्म्स है राइट हैंड साइड वो क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है कट कर लेंगे 2 4s and 2 3s तो फाइनल आंसर इज माइनस 3/4. ओके एक लास्ट क्वेश्चन एन नंबर और देख लें. बाई व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड माइनस 10 होल माइनस 1 टू गेट द क्वेश्चन माइनस 25 ऑफ पावर माइनस 1. तो अब की बार मुझे क्या कराना है डिवाइड कराना है. सो नंबर वैसे ही लेट करेंगे. लेट द नंबर बी एक्स. ओके यहाँ पे लिखेंगे वी शुड एस एच ओ यू एल डी. इन क्वेश्चंस में भी लिख सकते हैं वी शुड मल्टीप्लाई द नंबर नंबर एक्स ऑफ माइनस 10 मल्टीप्लाई बोलना है. वी शुड डिवाइड का क्वेश्चन है. सॉरी क्वेश्चन नंबर एन में चले गए थे. वी शुड डिवाइड द नंबर एक्स ऑफ माइनस 10 ऑफ पावर माइनस 1. ओके सो माइनस 10 ऑफ पावर माइनस 1 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 10 ऑफ पावर माइनस 1 आपके डिवाइड कराना है तो डिवाइड का साइन. ठीक है और हमको आंसर क्या ऑप्टेंड हुआ माइनस 25 ऑफ पावर माइनस 1. ओके सो देखिए ऐसा करिएगा इसको देखिए ऐसे इस टर्म्स इस तरीके से नोट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. x डिवाइड में है किसमें इसको डिवाइड में मतलब अपॉन में कर दें भाई इसका यही तो मतलब होता है डिवाइड का. डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू. अब इसको क्या करेंगे x को 25 के बाद ट्रांसफर करेंगे तो x डिवाइड में है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में. तो x को ट्रांसफ़र करें तो x होगा. ठीक है अब 20 अब हमको ये सॉल्व कराने दो टर्म्स तो 25 ऑफ पावर माइनस 1 किस साइड ट्रांसफ़र होगी लेफ्ट हैंड साइड. तो बेटा इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा. तो माइनस 10 अपॉन माइनस 1 पावर वैसे ही रहेगा और ये डिवाइड में माइनस 2.5 ऑफ पावर माइनस 1 होगा. जिसे ट्रांसफ़र कराते हैं उसका साइन चेंज होता बेटा जो अपनी प्लेस पे रहेगा उसका साइन चेंज नहीं होगा. इज इक्वल्स टू एक्स. तो माइनस 10 ऑफ पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 10 ऑफ पावर 1 एंड डिवाइड बाई 1 अपॉन माइनस 25 ऑफ पावर 1 इज इक्वल्स टू एक्स. तो पावर देखिए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुकी है. तो 1 अपॉन पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई का साइन चेंज होगा और जो टर्म्स का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स. माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड 5 2s are 5 5s are 25 and 10 बोथ नंबर्स आर डिवाइडेड डिविजिबल बाई 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5. सो 5 2s are and 5 5s are. तो फाइनल आंसर इज 5/2 इज इक्वल्स टू एक्स. और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 5/2. ओके तो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आई होगी. अब एक्सरसाइज आते हैं 5.2 में. ठीक है एक्सरसाइज नंबर 5.2. देखिए इसमें कुछ भी नहीं है. साइंटिफिक नोटिफिकेशंस में आपको नंबर को चेंज करना है. 329 फर्स्ट क्वेश्चन है. तो साइंटिफिक SCIENTIFIC साइंटिफिक नोटेशन NOTATION साइंटिफिक नोटेशन इज इक्वल्स टू
थ्री देखिए 329 में पॉइंट अभी लगा कहाँ है लास्ट में, जो लास्ट में पॉइंट सीन नहीं होता है लेकिन है, इसको ऐसे लिख दें कोई प्रॉब्लम है? 329.0 अगर इसको कर दें तो कोई प्रॉब्लम है? लास्ट में पॉइंट कर दें कोई प्रॉब्लम है बेटा? पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, कट हो जाएगा, फिर से 329 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको साइंटिफिक मीन्स होता है 329 में जो फर्स्ट डिजिट, जो लेफ्ट हैंड से फर्स्ट डिजिट है उसके पहले हम, उसके बाद हमको पॉइंट लाना है, मतलब 3.29। अगर 50501 लिखा है मतलब 5.01 में इस टाइप से कन्वर्ट करना होता है। तो जब बेटा पॉइंट आएगा कहीं से ट्रांसफ़र होके तो 10 ज़रूर बनेंगे, ठीक है। तो देखिए जितने डिजिट ये लेफ्ट हैंड साइड मूव होगा, जितनी डिजिट को क्रॉस करेगा, क्योंकि 3 के पहले पॉइंट लाना है ना, ठीक है, सो उतने 10 की पावर में मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव, 3.29 मल्टीप्लाई बाई 10 ऑफ पावर 2। ओके देखिए 2 डिजिट को मूव कराए लास्ट से, 9 और 2 दो डिजिट मूव करेगी तो 10 की पावर पॉजिटिव 2 का मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। अगर जो पॉइंट है डेसिमल वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो 10 की पावर पॉजिटिव में रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कराएंगे तो 10 की पावर माइनस में उतनी ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है। अभी आपको एक माइनस वाला भी समझ में आ जाएगा, पहले प्लस वाला समझिए, ठीक है। तो ये लास्ट में पॉइंट लगा होता है जो अंडरस्टूड होता है, हमें सीन नहीं होता, दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर लगा लें पॉइंट जीरो तो कोई क्या दिक्कत है भाई? पॉइंट जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, फिर से कट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और साइंटिफिक वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद आपको पॉइंट सेट करना होता है, ठीक है। तो लास्ट से यहाँ फर्स्ट डिजिट के पहले पॉइंट को मूव कराएंगे तो 2 डिजिट्स को हमको क्रॉस कराना होगा, और ये 2 डिजिट जब क्रॉस करेगी वैल्यू तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, ओके। और जो जब 2 डिजिट क्रॉस करेगी लेफ्ट से राइट की साइड हमने मूव कराया है, देखिए लेफ्ट से राइट की साइड मूव हो रहा है तो 10 की पावर, सॉरी राइट से लेफ्ट की साइड ट्रांसफ़र हो रहा, राइट से ये जो वैल्यू है राइट से उल्टा लिख दिया मैंने, राइट से लेफ्ट की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है, लेफ्ट से राइट बनेगा 10 की पावर माइनस और राइट से लेफ्ट बनेगा, ठीक है। इधर साइड राइट होता ना, इधर साइड लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट की साइड बनाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, तो 2 डिजिट मूव कराया तो 10 का पावर 2। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लें, 4270000। ओके सो ये हो जाएगा 4, कितना पॉइंट 0 लास्ट में लगा लें कोई दिक्कत है क्या? अब हमको कितनी डिजिट क्रॉस करानी है, 1 2 3 4 5 6, 4 के पहले 4 के बाद पॉइंट अगर सेट करना है तो हमको 6 डिजिट को ट्रांसफ़र कराना होगा। तो साइंटिफिक नोटिफिकेशन SCIENTIFIC साइंटिफिक नोटेशन इक्वल्स टू 4.27000 इंटू 10 ऑफ पावर 6, ओके 1 2 3 4 5 6, 10 ऑफ पावर 6। देखिए लेफ्ट से राइट की ओर ट्रांसफ़र किया पॉइंट को, और 10 की पावर किस में कन्वर्ट होगी? प्लस में। तो जितने डिजिट ट्रांसफ़र किए हैं पॉइंट को मूव कराया उतने पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। तो देखिए बाकी सारे जीरो हम क्या कर दें, कट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के पास जीरो कोई वैल्यू नहीं होती। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 4.27 इंटू 10 ऑफ पावर 6। ओके तो मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके तो बाय, टेक केयर।